हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेहला बर्ड्स वर्ल्ड। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं और आपका घर में जो बर्ड्स है वो भी हेल्दी एंड अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो पे बताने जा रहा हूँ फिंच बर्ड के लिए लाइव फूड कितना एसेंशियल है। जी हाँ दोस्तों, लाइव फूड। हम लोग तो फिंच बर्ड के लिए काफ़ी सारा सॉफ्ट फूड देते हैं, दाना मिक्स सीड देते हैं, मगर ये लाइव फूड भी फिंच बर्ड के लिए बहुत ही एसेंशियल है। लाइव फूड बोले तो मीन्स हम लोग क्या समझते हैं, कोई भी कीड़ा या फिर कोई भी मेल वॉर्म सुपर वॉर्म टाइप का चीज़ जो है जिसमें लाइफ है, उससे फिंच बर्ड का हेल्थ में क्या इफेक्ट पड़ता है, कितना परिमाण में देना पड़ता है और वीक में कितना दिन देने से चलेगा, ये सब मैं आज डिटेल में बताने जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जितना भी फिंच बर्ड है, नॉट ओनली मैं मीन्स ये बहुत ही ब्रीडर लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं और ये बहुत ही हिडन फार्मूला है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जैसे बोला मेरे पास 7 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप लोग के साथ ये चैनल के थ्रू। तो फ्रेंड्स, फिंच बर्ड के लिए ये लाइफ फूड बहुत ही एसेंशियल होता है क्योंकि फिंच बर्ड को बहुत सारा प्रोटीन की ज़रूरत है क्योंकि जो हम लोग केज में उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते। मगर अगर आप लोग ये लाइव फूड फिंच बर्ड को प्रोवाइड करोगे तो ये बहुत शौक से खाता है। ये फिंच बर्ड स्पीसीज जो है, ये फिंच स्पीसीज, इसको लाइव फूड का बहुत ही ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, चलिए दिखाते हैं मैं क्या लाइव फूड यूज़ करता हूँ इस फिंच बर्ड के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं बताया, मैं लाइव फूड्स के बारे में शेयर करने जा रहा हूँ। तो उससे पहले जो कोई भी फ्रेंड्स मेरे ये चैनल पे नया है, लोग को रिक्वेस्ट करूँगा जाके सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक एंड शेयर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। और कोई भी सजेशन या फिर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने के लिए या फिर नेक्स्ट वीडियो पे उसका रेजोल्यूशन बताने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपका एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब मेरे ये चैनल को ग्रो करने में बहुत ही हेल्प होगा। तो चलिए सीधा दिखाता है जो मैं लाइव फूड यूज़ करता हूँ ये सब फिंच बर्ड्स के लिए, एक्जॉटिक फिंच बर्ड्स जितना भी है। यहाँ पर कुछ जम्बूज है। तो फ्रेंड्स, ये है वो लाइव फूड। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है मेल वॉर्म। बहुत कोई यूज़ करता है सुपर वॉर्म, बहुत कोई यूज़ करता है ड्राई मेल वॉर्म, बहुत कोई यूज़ करता है चीटी का जो अंडा होता है वो, मगर मैं यूज़ करता हूँ स्पेसिफिकली ये मेल वॉर्म। जी हाँ दोस्तों, ये मेल वॉर्म मैं खुद घर पे ही फॉर्म करता हूँ। ये कुछ बहुत ही आसान होता है फॉर्म करना, आपको कोई देखभाल बाल का कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आप देखोगे, आप अगर बर्ड्स रखते हो, अगर 3-4 दिन या फिर 1 हफ्ता अगर आप लोग सफाई नहीं करते हो ठीक से, आपका सेटअप के नीचे जहाँ पर भी सेटअप है या फिर कॉलोनी है, कॉलोनी में ज़्यादा होता है ये, आपको थोड़ा छोटा छोटा काला काला एक टाइप का कीड़ा दिखेगा, एक बग जैसा, वो होता है बीटल, जो इन लोग का पेरेंट्स है। उसको अगर आप पकड़ के एक डब्बे में रख देते हो थोड़ा छेद करके, उसके बाद थोड़ा दाना पानी मीन्स थोड़ा उस पर कोई भी सीड्स का छिलका, थोड़ा सीड्स, थोड़ा बिस्किट या फिर मकाई, ये सब दे के एक पानी का सोर्स, जैसे आप लोग पोटैटो दे सकते हो, आलू दे सकते हो, उसको हाफ करके एक आलू दे दोगे तो ये आसानी से बहुत सारा फॉर्म हो जाता है। आप लोग 1-2 हफ्ता उसको रख के छोड़ दोगे वैसे ही पूरा, 1-2 हफ्ता बाद जब उसको निकाल के थोड़ा चाल लोगे आप देखोगे लगभग आपको 100 से 200 मेलवॉर्म आपको लार्वा दिखेगा। उसको ही अलग से रखने से वो बहुत हो जाता है। और 100-200 लार्वा तो मेरे यहाँ पे हो जाता है जब, तो मैं वो आसानी से 2-3 हफ्ता तो चला लेता हूँ क्योंकि मैं ये जो मेलवॉर्म है हफ्ते में ट्राई करता हूँ 2 दिन देने का। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन देने का। और एक एक पेयर के लिए, सपोज़ मेरे पास जैसे कह रहा हूँ ये एक आउल का पेयर है, ये एक रेडी पेयर के लिए जो लोग ब्रीडिंग पे है स्पेशली उन लोग को मैं प्रोवाइड करता हूँ। जी हाँ दोस्तों,
हैबिट होता है, पहले पहले कोई कोई बर्ड्स नहीं खाता है, जैसे मेरा गोल्डन जो है, मेरा जितना भी गोल्डन फिंचेस है कोई भी ये मेल वॉर्म नहीं खाता है फ्रेंड्स, मगर जितना भी कट थ्रोट फिंच है, आउल फिंच है, स्टार फिंच है, डायमंड स्पैरो है एंड लॉन्ग टेल है, ये सब कोई ये बहुत शौक से खाता है। एंड जम्बो फिंचेस को तो बोलिए ही मत, जम्बो फिंचेस, ब्लैक चीक, क्रेस्टेड, ये सब तो बहुत अच्छा खाता है। और मैं कुछ कुछ बंगाली फिंचेस को भी देता हूँ, क्योंकि जब उन लोग के पास ये एक्जोटिक फिंचेस का बच्चा रहता है तो वो फिट कराने में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये जो मेल वॉर्म है फ्रेंड्स, ये जो मेल वॉर्म है ये एक बहुत ही हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है फ्रेंड्स। आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो एक पेयर के लिए, अगर आप लोग ट्राई करना 6 से 8 पीस मेल वॉर्म देने के लिए, ये लोग जो खाएगा, इन लोग का फेदर का ग्लेस, इसका जो हेल्थ और इसका जब बेबी आएगा, जो कोई भी चिक्स आएगा, ऑल मीन्स एग्स इन्फर्टाइल होने का चांसेस नहीं है। इसका बहुत सारा बेनिफिट्स है फ्रेंड्स ये मेल वॉर्म का। आप लोग मेल वॉर्म नहीं हो तो सुपर वॉर्म कीजिए, सुपर वॉर्म नहीं हो तो चीटी का अंडा दीजिए, मगर फ्रेंड्स ये लाइफ फूड्स देने का कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, ये लाइफ फूड्स ये बर्ड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल। तो फ्रेंड्स मैं दिखाना कोशिश करूँगा कि ये दे के मैं थोड़ा मैं मेल वॉर्म लोग को प्रोवाइड करूँगा, प्रोवाइड करके आप लोग को दिखाने का कोशिश करूँगा कि मेरे बर्ड्स कितने शौक से खाता है, मगर मैं कैमरा लेके सामने शायद नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि सामने आऊँगा तो वो लोग डर जाएगा, नहीं खाएगा। तो फ्रेंड्स और जब भी देना ऐसे प्लेट में देना, ऐसे प्लेट में देना, क्योंकि फ्रेंड्स ये मेल वॉर्म बहुत भाग जाता है जल्दी और ये प्लेट से नहीं निकल सकता है, इसीलिए फ्रेंड्स चलिए इन लोग को दे के ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा मैं वीडियो, इन लोग को प्रोवाइड करके मैं दिखाता हूँ कि ये लोग कैसे मेल वॉर्म को एंजॉय करते हैं। देखिए मैं कुछ मेल वॉर्म इधर दे दिया हूँ और वेट कर रहा हूँ दूर से, देखते हैं ये लोग खाते हैं कि नहीं। देखिए फ्रेंड जो आउल फिंच का जो पेयर है उसको मैं मेल वॉर्म प्रोवाइड कर चुका हूँ और वो तो एक दो खा लिया, वो वाला पेयर मैं आपको दिखा नहीं पाया, मगर ये वाला जो अभी दिया ये देखिए कितना शौक से मेल वॉर्म खा रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने के लिए, एक जो पेयर है ऊपर वो डर के मारे मैं वीडियो कर रहा हूँ इसलिए नीचे नहीं आ रहा है ठीक से, देखिए कितना शौक से मेल वॉर्म खा रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये लाइव फूड्स फिंच बर्ड के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। तो फ्रेंड्स आप कोशिश कीजिए ये लाइव फूड्स फिंच बर्ड को देने के लिए, और मैं तब तक मेरा जितना भी एक्सोटिक फिंचेस है जिसको मैं आज मेल वॉर्म प्रोवाइड करूँगा वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, एंड फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब दिस माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड, एंड इन केस कोई क्वेरी है आपको, कोई सजेशन है तो प्लीज़ प्रोवाइड अ कमेंट्स, एक कमेंट्स ड्रॉप कर दीजिए मेरे चैनल पे, मैं कोशिश करूँगा उस पर रिप्लाई देने के लिए एंड नेक्स्ट वीडियो पे उसके रिलेटेड बात करने के लिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।